पे मैं व्लॉग बना रही थी, ये बच्चे मुझे मिल गए। तो हमारा मोस्ट फेवरेट प्लेटर आ चुका है, ये वाली। इनकी मैंने फ्रंट से कटिंग कर दी है। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज हो चुका है और एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। व्लॉग कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ है कि जी रूटीन के काम थे और हुआ यूं कि मेरी कमर में शदीद दर्द है और आज सिद्रा ने भी छुट्टी कर ली और काम इतना ज़्यादा था और मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। तो सिद्रा को बुलवाने भेजा तो उसने आने से मना कर दिया। फिर बच्चों को साथ लगा के जो है वो मैंने जो काम था वो किया। खैर काम तो हो गए सारे, पर ये है कि सिद्रा ने गलत कर दिया। उसे मैंने कल भी बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आजकल ज़्यादा दर्द हुआ है, पर उसने छुट्टी कर ली। तो बच्चों को भी लगी हुई थी भूख, तो मैंने खाना गर्म होने रखा हुआ है। और रूटीन कुछ ऐसे है ना कि अब ईद है 2 दिन बाद, तो ईद की थोड़ी बहुत जो तैयारियाँ रह चुकी हैं तो वो करनी थी। आज अम्मी के घर अमरीन ने आना है, उसने मुझे कॉल करके बुलाया है क्योंकि उसने कलर जो है ना अपने बालों पे करवाया हुआ था, उसका कलर जो गोल्डन सा कुछ बालों का अजीब सा हो गया है, तो कह रही है मुझे फुल ब्लैक चाहिए। तो वो मुझे करने और थोड़ी सी उसकी मैंने कटिंग भी करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कटिंग बहुत अच्छी करती हूँ। फैमिली में अगर कहीं कोई पार्लर ना जाए, सैलून ना जाए कटिंग करवाने के लिए, तो वो मुझसे करवा लेते हैं और मेरा हाथ जो है ना काफ़ी अच्छा एक्सपर्ट है। कुछ हेयर कट मैं कर सकती हूँ, हर तरह का हेयर कट मैं नहीं कर सकती, पर जो मैं करती हूँ वो बहुत पसंद आता है सबको। तो अमरीन ने कॉल करके मुझसे टाइम लिया, मैं ज़रूर आऊँगी आपकी कटिंग करूँगी और अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं उनके हेयर कट कैसे करने वाली हूँ। और इस ईद पर काम ज़्यादा होता है और ईद के करीबी दिनों में तबीयत भी डाउन होती हुई लग रही है। तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि मुझे व्लॉग के साथ साथ घर भी देखना है, फैमिलीज भी देखनी है और ईद वगैरह भी मनानी होती है, समेटना समूटना भी होता है। तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके अलावा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन तो मस्ट है, लाजमी करें। मेरा पुत्र की कहते पे हो चांद रात को मेरी बर्थडे, कल चांद रात है ना, पर आपकी चांद रात पे हम सेलिब्रेशन नहीं करने वाले, हम थोड़ा सा डिले कर देंगे ईद के बाद। अपने फ्रेंड से कह दिया आपने? कह दिया कि सब आएंगे आएंगे। चलो जी, इब्राहिम ने एक काम और बता दिया है कि इनकी बर्थडे है, वो भी सेलिब्रेशन करनी है चांद रात को, बट हम आगे डिले कर रहे हैं थोड़ा, 2-3 दिन बाद, दूसरे तीसरे दिन या कुछ डिसाइड होगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि इब्राहिम की सेलिब्रेशन जो बर्थडे की है वो हम कैसे करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं बच्चों को खाना दे दूँ, आज के मेरे काम इतने ज़्यादा और रात में मैंने वीडियो एडिट नहीं की, वो भी मुझे अभी करनी है। बाहर जाना था बैल बकरों के पास, तो मैंने उनको बोला ये बोतल भर के लेके जाओ बना के टैंक की, ताकि पानी की कमी ना हो, पसीना ना आए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर रहे कमाइयाँ? हाँ जी, मेरी तो अभी वीडियो एडिट नहीं हुई, मेरे तो 2-4 काम रहते थे, अभी इसको कपड़े चेंज करवाए थे सुबह को, और ये पानी बना के टैंक लेके जा रहे हैं नानो के। पहले इसके अंदर पानी डाल के बाबा को भी दो। A few moments later. मैं व्लॉग बना नहीं सकी और मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ, अमरीन आई हुई है, यहाँ पर हमें कुछ काम थे जो मैंने आपको बताया थे। तो ये रही अमरीन, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। हाँ जी सुनाओ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ? ठीक। आवाज़ कहाँ गई? आवाज़ यहीं पे ही है गर्मी से अंदर। जितने भी काम काज हैं वो सर्विसेज वगैरह जो अमरीन की आज मैं करने लगी, अल्लाह खैर ही करे, यासर भाई पहचानेंगे बोलेंगे अमरीन यासर पहचान ले बाकी की शायद। हाँ नहीं नहीं, अब बोलेंगे ये वाह ये वही अमरीन है, वाह मैं तो पहचान ही नहीं रही। अभी मैं दरवाजे पर आई थी गायें बकरे देखने, पहले ये किसी की, ये तो हमारे वाली, इसको नलाया धुलाया हुआ है, आपको अम्मी बुला रही थी, और इसको नीचे सही से बिठा देना ताकि उल्टा काम ना करे। बकरे पहले देखने में मेरे पे कैमरा क्यों आया? नहीं, ये गायें पहले बकरे, ये बकरे गायें पहले नहीं है, ये मेरे मियाऊ हैं। तो खैर यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ कर देते, मुझे पहचान में भी नहीं आती ना, आपको अम्मी बुला रही है। रूम में आ चुकी हूँ और ये कलर घोल दिया अमरीन ने, कह रही है कलर बन चुका है, ये लगाना है इनके बालों में, और इनके बालों का जो अगर मैं कलर दिखाऊँ ना तो वो 2-3 शेड के हो चुके हैं, ये देख रहे हैं, कहीं पर गोल्डन है कहीं पर ब्लैक है, तो इन्होंने कहा मुझे पूरे ब्लैक कर दो। तो कलर ब्लैक करना है और कटिंग करनी है, और बच्चे इतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कभी एक आता है कभी जाता है, आता है जाता है। और मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास ग्लव्स नहीं थे तो मैंने शॉपर लिए कि मेरे हाथ ना काले हो जाए, मेरे घर में पूरा डब है, मेरे घर में पूरा डब्बा है और मैं अभी अवेलेबल नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जुगाड़ हम पाकिस्तानियों के पास होता है कि हम शॉपर पहन के भी कलर कर देंगे। कलर पूरे बालों में करके इसको अच्छी तरह पैक कर दिया है, और पता चले अमरीन ब्लैक पर से, मुझे ब्लैक कलर के बाल बहुत पसंद है और मेरे नेचुरल डार्क ब्लैक कलर के बाल हैं और उसमें कलर फेयर लगता है, इसलिए मैंने अमरीन से भी कहा था कि तुम भी जो है ना ये अधखड़े अधे बालों को छोड़ो और ब्लैक कर लो। ये देखो अभी से शेड पर फर्क आ रहा है, बिल्कुल जो गोल्डन बाल हैं और जो कलर वाले बाल हैं ना वो वाइट कलर पर अच्छे लगते हैं, वरना वो थोड़ा सा रंग को ना आपके दबाते हैं। तो खैर गोल्डन बाल भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, मैं ये नहीं कह रही, पर ये कि ब्लैक में ना थोड़ा निखार लगाता है।
और सारा खान को देखे उसके ब्लैक होते हैं, सनम बलोच है उसके ब्लैक होते हैं, तो कुछ लोग जो है वो डार्क ब्लैक को पसंद करते हैं जिस तरह मैं हूँ। पीछे मैंने भी एक आध दफ़ा गोल्डन किए थे तो अभी इसको थोड़े दिन धो लूँगी। ब्लैक में शौक आ गया था कि बिल्कुल डार्क ब्लैक है ना, आजकल मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कर रहे हैं ना वो फुल ब्लैक। जब 3-4 महीने 6 महीने में दोबारा शौक हुआ तो फिर गोल्डन जाएंगे। हाँ ना, अपनी खेती है जो दिल जाए करो, आज भी थोड़ी गोल्डन ही करना है, कौन सा फैशन होगा। ब्राउन कर लेंगे, ब्लैक कर लेंगे, मरजंडा कर लेंगे, ब्लू कर लेंगे। वैसे मुझे भी ब्लू और ये जो अलग से थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा शेड आता है ना बालों में वो पसंद है। इनकी बस मैं कटिंग करने लगी थी, पार्टीशन कर लिए बालों के, यहाँ से पार्टीशन किया, बस अभी कटिंग करते हैं फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इनकी मैंने फ्रंट से कटिंग कर दी है यहाँ से और ये लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है, और ये जब ड्राई हो जाएंगे और प्यारे लगेंगे। और अभी ड्रायर नहीं था फिलहाल तो ये कटिंग हो चुकी है, यहाँ से ये वाले लेयर काटी है। उन्होंने बोला हम पहले बोल रहे हैं, एक कटिंग यहाँ से की है फिर एक यहाँ से की है और इसके अलावा यहाँ से की है, ये 3 लेयर्स दी हैं 1 2 3 और ये सूखते जा रहे हैं और प्यारे प्यारे होते जा रहे हैं। तो मुझे पसंद आ गया, अब आपकी बारी है क्या आपको पसंद आते हैं कि नहीं। अरे ये कि ऐसे बालों को कैरी करना पड़ता है जो फ्रंट से कटिंग की जाए, तो अभी ये सारा टाइम ये शीशे में गुजारने वाली है। बाजार जा रही हूँ, अभी तो बस सारे काम हो चुके हैं और मैं जा रही थी घर पर और काफी देर हो चुकी है। ये देखें ये आराम कर रही है, अस्सलाम करना, अच्छा वालेकुम, अच्छा वालेकुम, ये आराम कर रही है, ये आराम कर रही है, थक गई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, रात हो गई ना सोने लगी है। आज इसको नहलाया है। नहीं नहीं आज साफ सुथरी लग रही है, मुझे अब तंग कर रहे हो, उठ के बैठ जाएगी जी। तो मैं घर आ चुकी थी और घर आते ही थोड़ी देर बैठे थे तो प्रोग्राम बन गया है बाहर जाने का, और बाहर से थोड़ा बहुत जो कुछ खाना है रात का डिनर, तो बाहर का प्रोग्राम बना है, कहाँ जाना है क्या करना है ये तो आप लोग साथ हैं, मुझे खुद भी नहीं पता, एकदम का प्रोग्राम है तो बस साथ रहे, चलते हैं खाना खाने। पर आई थी और मेरी नज़र जब यहाँ पड़ी और मैंने इनको बोला बाइक रोको मुझे एक चीज़ दिखानी है अपने व्यूअर्स को, तो ये देखें लाइन से खड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत और बड़ी बड़ी बहुत ही प्यारी है, देखिए सही की देखने वाली है। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव, ओ माय गॉड इधर आ रही है, आई कांट बिलीव इतनी प्यारी और खूबसूरत। अच्छा अंदर और भी हैं, ओ माय गॉड यार इधर भागते हुए हम कैसे लगेंगे, पीछे हो जाए वो देखें, वो देखें भाई एक और बड़ी लेकर आ रहे हैं और मैं डर के डरा चुकी हूँ, वो देखो फूट भी अंदर से, वो आई नहीं रही, बाहर ही नहीं आ रही, वो घसीट के ला रहे हैं इसको, तुम बोलो मरोड़ो तो चल पड़ेगी, तुम है ना ऐसे ही करते हो ना आप लोग बकरों के साथ, वो देखो तुम मरोड़ो, ओह माय गॉड, साथ में आवाज़ें भी लगा रहे हैं। पे मैं व्लॉग बना रही थी, ये बच्चे मुझे मिल गए, आपका क्या नाम है, दिख रही है बड़ी बड़ी काउस, कौन सी अच्छी लगी है, सारी है ना, थोड़ा इनसे दूर रहा करो, बचा करो, ठीक है, फिर मिलूंगी, बाय बाय अल्लाह हाफिज। काफी ज्यादा ही हैं तो अहमद जो सबको टच कर रहे हो, अहमद गुस्सा कर रही है, वो नहीं करो, हम खाना खाने आए थे और यहाँ पर इनको देख के बच्चे पागल हो गए, हम यहाँ क्यों आए थे, हम खाना खाने आए थे, वो तो बैलों बकरों को देख के पागल हो गए और इनको आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पर होंगे और ये पागल हो गए। खाना खाने चलें या घर चलें, खाना खाने चलो, हाँ तो फिर यहाँ पे क्या देखने वाली, सब देखो भाई, वो भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो और इनको भी देखो। हम आ चुके हैं खाना खाने बंद रोड पे ही और यहाँ पर तो कालम खाली है, हार्डली खाली किया हुआ है, हम पंखन साइड पे जाते हैं, तो आपको सर लग रहा है, मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा हमारे लिए इन्होंने सब खाली कर दिया है, उन लोगों को पता चल गया था ना राबे बिलाने आ रही है तो स्पेशली प्रोटोकॉल दिया इन्होंने मुझे। खैर ये सब बातें मजाक की थी, मेन्यू आ चुके हैं हमारे सामने और यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारे पंखे ऑन हैं और जिसकी वजह से शदीद शोर है और नीचे टक 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 की भी आवाज़ें आएंगी, आज का व्लॉग भी बहुत मज़ेदार होगा हमेशा की तरह, तो आप लोग पूरा देखें। तो ये देखो दीवार को हाथ लगा रहे हैं छत को के मेरा हाथ पहुँच रहा है, ये देखें ये देखें, तुम तो लंबे हो ना, तुम्हारा ये देखो, बस 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 बैठ जी। तो ये गए हुए थे पैसे लेने और ऊपर आए तो कह रहे हैं इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तुमने इन्वाइट किया जी, मैंने इन्वाइट किया, मैंने बुलाया, बिल्कुल करे मैंने बुलाया जी जी बिल्कुल। आपको बताऊं एक बात, ये जो आपके पीछे बैठे हुए ना मेरे सब्सक्राइबर हैं। अच्छा जी, अभी मैंने मुझे आके सलाम किया, मैंने कहा आप यहाँ पे काम करते हैं जो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने मुझे मेरी वीडियो जो यहाँ की वायरल हुई है, तो कहते नहीं मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, देख अब तो मान जाए, अब तो मान जाए, हाँ यार अभी मान रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ भाई, हाँ मुझे पता है माने तभी तो हाँ बोला।
आपसे एक बात पूछूँ, आपने सौ साल बताने बिल्कुल नहीं बोला। क्या बोला? सैलरी आपकी कितनी है बेटा? एक बात बताऊँ, मर से उसकी सैलरी नहीं पूछ, हमारा से उसकी एज नहीं पूछते, ये तो बातें याद रखना। वो हमारा मोस्ट 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 फेवरेट प्लेटर आ चुका है और इधर देखिए मुंह देखिए इनके। इब्राहिम इब्राहिम बोल रहे हैं कैसे? ये प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं बनाती हूँ ब्लॉग फिर बनाती हूँ थंबनेल की पिक्चर और ये बेचारे शरीफ ज़ादे बन के बच में देख रहे होते हैं कि कब बारी आएगी। और ये देखो यहाँ से ये अपनी तरफ खींची जा रहा है। तो जी बिस्मिल्लाह करके हम लोग खाते हैं। पहले तक तो इसकी क्वालिटी और मेयार बहुत अच्छा था और अभी जो है वो हम खाकर आप लोगों से शेयर करेंगे कि अभी वही है, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी जो है ना इसकी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब कि पहले 1450 में था अब 1600 रुपये में हो चुका है, तो महंगाई तो दिन ब दिन आगे ही जा रही है। खैर उस हिसाब से फिर भी नॉट बैड फूड। तो हम ये खाते हैं और रिव्यू देते हैं। इसका खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि इसके ऊपर जो मटेरियल है ना वो पहले निकालना पड़ता है, जो हम साइड पे एक निकाल देते हैं। ये देखें रोस्ट हुआ हुआ टमाटर भी है, सलाद इतना ज़्यादा है, सलाद लवर के लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है, इसको एक साइड पे कर देते हैं। जी तो फाइनली प्लेटर का जो है फेस रिवील हो चुका है और मैं आप लोगों को दिखाऊँ कुछ उसका लुक और फेस ये है। ये सलाद की पूरी प्लेट एक है जिसे हम पार्सल भी करवा सकते हैं, करवा लें। क्या कह रहे थे? मजे का ना फेवरेट आलू मजे का, मजे का वाकई क्वालिटी और मेयार बिल्कुल वैसे का वैसे है और टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े का है। जैसे हमें हमेशा की तरह खाते हैं मज़ा आता है ना, आज भी हमें वैसे ही मज़ा आ रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया और ये तकरीबन सब फिनिश कर दिया है, बस ये चीज़ें और ये बच गई हैं। तो इसके लिए इन्होंने पराठे मंगवाए हैं, क्योंकि मुझ पर पराठा खा रहे थे तो इन्होंने कहा हमें भी पराठा मंगवा दें इसके लिए। तो अभी पराठे का वेट हो रहा है। वैसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो चुका है और पेट भर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत मज़ा आया। और थोड़ा सा मसला होगा, हो सकता है आवाज़ का प्रॉब्लम हो, यहाँ पे पंखे बहुत बड़े बड़े और गर्मी शदीद है तो जिसकी वजह से पंखे लगे हुए और पंखे की वजह से आवाज़ सही नहीं आती। जी तो फाइनली खाना खा लिया है और हाथ वगैरह भी धुल के बस अभी हम जाने लगे थे। हम आ चुके हैं अलमक्का पर और इनकी फरमाइश पे कि इन्होंने आइसक्रीम खानी है। आपने तो नहीं खानी ना? आपने भी खानी है? आपने भी? आपको तो रहने दो, आप मत खाओ। हाँ ये बच्चे बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो बच्चे नहीं खाते, नहीं खाते। तो आप भी बच्चे हो, आप मत खाओ। आगे रश और बच्चों को मिल नहीं रहा, आप जाके देख लो उनका मसला हल कर दें। और यहाँ पे मैं बैठी हुई शदीद गर्मी हो रही है कि बैठा नहीं जा रहा और बच्चों को आइसक्रीम मिल नहीं रही। पर आराम से बैठना है, इधर बैठ जाओ। अरे वाह भाई वाह, पिस्ता ही कौन सी है? कुल्फी कुल्फा, पिस्ता कुल्फा है ये तो, और ये पिस्ता आइसक्रीम है। मेरा आइसक्रीम खाने का कोई मूड नहीं था, कोई इरादा नहीं था, इनसे लिए मैंने तो मुझे बहुत मज़े की लगी है, अब वो लेने गए वहाँ पर मेरे लिए। अच्छा इन्होंने कप ला दिया और इन्होंने कप नहीं लिया ना, देखो नीचे गिर रही है, गन मच रहा है। हम जब भी यहाँ आते थे तो कोन वगैरह खाते थे, अब के बार हम लोगों ने कुल्फा ट्राई किया है, मज़े का, पिस्ता में भी है क्रंच में भी है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा है। बस अभी हम घर जाने लगे। जी तो फाइनली घर आ चुके हैं और आज का दिन तो बहुत मज़ेदार रहा अल्हम्दुलिल्लाह और खाना भी बहुत मज़े का था। बस ये कि अभी घर पर आए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मौसम पता नहीं क्या चाह रहा है, पता चले ईद वाले दिन बारिश हो जाए। खैर यहीं से अब मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, आप लोगों ने करना क्या है, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, मस्ट है, लाजमी करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।